हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, मैं हूँ साहिर और अब देख रहे बिंग ट्रैवलर। तो सुंदरबन पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन लोगों ने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, देख लीजिएगा। तो ये है लास्ट एपिसोड सुंदरबन ट्रिप का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी चेकआउट कर चुके हैं। हम लोग के साथ ही टूर किया 2 नाइट 3 डेज का सुंदरबन ट्रिप। तो अभी हम लोग चेकआउट कर चुके हैं और एक भाई है जो कुछ लिख रहा है, रजिस्टर कर रहे हैं चेकआउट की, तो उससे भी मिलाएंगे आप लोग को। तो भाई को फिर से इंट्रोड्यूशन करें। भाई का नाम शामीउल शेख। हाँ, तो भाई भी हम लोग के साथ, वो भाई के साथ जो आपको इंट्रोड्यूस कराया था, एक साथ हैं। तो अभी हम लोग, ऐसे ट्रिप में कैसा लगा आपको? बहुत मस्त लगा मतलब ट्रिप में। लेकिन शेर, अगर और एक बात, इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग सोच के आए हैं कि आपको बाघ देखना ही मिलेगा, भाई ये ट्रिप पूरा बेकार चला जाएगा। आप लोग वेदर को इन्जॉय कीजिए और फील कीजिए यहाँ का, मतलब खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ का संस्कृति वो सब संस्कृति बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन मुक्त है। हाँ, पॉल्यूशन मुक्त है। लेकिन आप लोग अगर घर से माइंड करके आए हैं, अगर कि आपको बाघ देखने पड़ेगा, तो आपको निराशा हाथ लग सकता है। हम लोग घर से ऐसे ही निकल के आए हैं जो सिर्फ टाइम पास करना है वही, लेकिन बाघ देखने को मिलेगा, क्योंकि बाघ आपको देख रहा होगा, लेकिन आप बाघ को नहीं देख पा रहे जंगल से। तो तीसरे दिन हम लोग को ब्रेकफास्ट सर्च हुआ, लुची चना दाल और बॉइल एग। तो आज लास्ट दिन है, आपको खाना कैसा लग रहा है? खाना तो नहीं है, ब्रेकफास्ट बोल रहा हूँ। ब्रेकफास्ट तो ठीक ही है, आपका चना का सब्जी और पूरी दिया हुआ, चना का दाल, चना दाल का सब्जी और पूरी और बॉइल्ड डिम, अच्छा लगा। अभी तक जो खाया टेस्ट ठीक ही है, इतना दिन से खा रहा हूँ, टेस्ट ठीक ही है। थोड़ा हम लोग का हालत थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वेदर चेंज हुआ ना, वेदर चेंज हो गया। तो एक अंकल आए हैं, बहुत ही अच्छा अंकल है, वो हम लोग का पूरा इंजॉय किया है पूरा जर्नी में। तो आप लोग का खाना कैसा लगा अंकल? हमारा तो खाना अच्छा है, हम तो बंगाल का आदमी है, तो बंगाल से बंगाल में घूमने आया, तुम लोग आसाम से जो बंगाल में घूमने आया, तुम लोग को कैसे लगा? बहुत बढ़िया। राम बाबू है, राम बाबू जो खाना पीना दिया, ये जो मेंटेनेंस किया, इसका बारे में थोड़ा बताइएगा। हमको तो बहुत अच्छा लगा सागर संगम ट्रेवल्स, खाना बढ़िया, खाना तो ऐसे ही बढ़िया है, आदमी बढ़िया है, मोरो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, जो बोलेगा सामने क्लियर बात बोलेगा। अरे 3 दिन का जो टूर था ना, शुरू से लास्ट तक हर आदमी अच्छा था, और हम लोग पूरा एक फैमिली की तरह मिल गया था, सब आदमी अच्छा था, अच्छा से मिलजुल के घूमा है, इसके लिए हमारा खुशी दुगना हो गया। पूरा जर्नी में हम लोग कॉमेडी करके आए जर्नी में, ठीक ही हुआ। फिर भेंट होगा, हाँ फिर मिलते रहेंगे। अरे हम लोग नहीं आए थे, क्यों कोई और आएगा हम लोग का वीडियो देख के? फिर ये सागर संगम ट्रेवल नंबर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कोई आने से फिट कर लीजिएगा। तो पहुंच चुके हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ सुंदरबन, वन देवी मंदिर। यहाँ का एक हिस्ट्री है जो आपको पहले हम बता रहे हैं। अभी बोलो सुंदरबन में जो जो लोग केकड़ा हानी सब कलेक्शन करने जाते हैं, वो लोग पहले आके यहाँ पर मंदिर है, वनदेवी मंदिर बोल के यहाँ पर आके पूजा करती है, ताकि बाघ अटैक ना कर सके और उन लोग को रक्षा, वनदेवी उन लोग को रक्षा कर सके। और लेकिन आप लोग हानी इधर पूरा रियल हानी मिलेगा, कोई मतलब मिलावट नहीं मिलेगा, यहाँ का हानी बहुत अच्छा है।
हानि कोई भी सब मतलब मतलब सभी अच्छा ही मिलता है इधर, मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं मिलता इधर। जैसे आप लोग को बाहर से प्राइस भी इतना ज्यादा नहीं है, रीजनेबल प्राइस है, इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इधर पूरा एकदम प्योर मिलता है ना, तो ये लोग खुद दस रुपये चाहिए हो जाएगा। दस कुछ बोलना चाहेंगे? तीसरे दिन का लंच में था हम लोग का दाल भात, कतला फिश फ्राई, आलू फ्राई और रेड क्रैब, बहुत ही टेस्टी था। तो सुंदरबन ट्रिप यही खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सुंदरबन ट्रिप यही खत्म होता है। सुंदरबन जर्नी अभी खत्म हो गई है, सब अपना अपना घर चलिए जाएंगे, फिर एक दूसरा जर्नी में मिलते हैं। एक जर्नी खत्म हुई तो क्या हुआ, दूसरा जर्नी शुरू होगा। তো কাকু এখন সব নিজে নিজের ঘরে না? হ্যাঁ না নিজে নিজে ঘরে না, এখন আমরা দীঘা যাচ্ছি। আচ্ছা কাকুরা দীঘা যাচ্ছে? দীঘাতে দুই দিন থেকে, তারপরে শিলিগুড়ি যাব বাড়ি। হ্যাঁ তারপরে আবার নিজের নিজের বিজনেসে জয়েন্ট হয়ে যাব, রিল্যাক্স হয়ে গেলাম। আর 7-8 দিনের জন্য তোমাদের সাথে ঘুরে ফিরে ভালোই লাগলো। হ্যাঁ আবার জানি দেখা হয়। হ্যাঁ নিশ্চয় দেখা হবে। তো টুর আমারই এই খতম হতে হয় সুন্দরবন কে। मिलते रहेंगे पार्ट 4 में, लो कॉस्ट टूर सजेशन आएगा, सुंदरबन रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल्स। तो जल्दी मिलेंगे पार्ट 4 में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।